नमस्कार, मैं मोनिका साहू एकलव्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। तो हमने लास्ट क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात क्या होता है? कोई जो फूड मटेरियल हमने खाया है, कोई गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, वो क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या है, उनका यूज़ क्या है, ये हमने देखा है। ब्लड वेसल्स को भी हमने जाना है कि क्या होता है ब्लड वेसल्स। एंड देन लास्ट हम देखते हैं हार्ट के बारे में, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? ब्लड को पंप करना। ठीक, तो हम हार्ट से स्टार्ट करते हैं कि हार्ट क्या होता है। सबसे पहले तो जो हार्ट होता है वो जो थोरेसिक कैविटी होती है दोनों लंग्स के बीच में उपस्थित होता है हार्ट, ये थोड़ा लेफ्ट साइड झुका हुआ रहता है। इसका अगर वेट हम देखें, इसका वेट अगर हम देखेंगे तो वो होता है 250 to 300 ग्राम। और वो उसका जो आउटर जो लेयर होता है, जो हार्ट होता है उसका जो आउटर लेयर होता है, ये बना होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन का। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन का बना होता है, इसके बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि हार्ट के स्टडी को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। और जो हार्ट का डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट। अब हम ये देखते हैं कि हार्ट जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है लेफ्ट पोर्शन, एक होता है राइट पोर्शन। एक सेप्टा होता है वो जो दोनों को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करता है। तो दो भाग हुए उसके, एक होगा लेफ्ट पोर्शन और एक होगा राइट पोर्शन। ठीक, अब क्या देखते हैं, जो हार्ट होता है, जो मनुष्य का हार्ट होता है, उसके चार चैम्बर्स होते हैं। उस चार चैम्बर्स में देखेंगे कि ये जो राइट साइड और लेफ्ट साइड है तो वो डिवाइडेड होते हैं आलिंद और मिलर में, आर्टियम और वेंट्रिकल में। मतलब ये बायां आलिंद है, उसके नीचे का पोर्शन बायां निलय अर्थात लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी तरीके से इधर के दो चैम्बर्स होंगे जो राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल, दायां आलिंद और दायां निलय। ठीक, अब क्या देखते हैं हम लोग कि हार्ट का और कौन कौन सा पार्ट होता है। हार्ट में ब्लड वेसल्स होते हैं अर्थात रुधिर वाहिकाएं होती हैं। हार्ट में रुधिर वाहिकाएं होती हैं। जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें हम देखेंगे तीन प्रकार देखा था हमने, अभी स्पेशली हमको दो देखना है। एक तो सीरा होता है, वेन्स, और एक होता है धमनी, आर्टरी। तो जो सीरा होता है, सीरा वेन्स, वो हमेशा हार्ट में ब्लड लेके आता है, चाहे वो बॉडी से लेके आए चाहे वो लंग से लेके आए। वो क्या लाता है? ब्लड को लेके आता है हार्ट में, जो सीरा वेन्स होते हैं वो। और जो धमनी होता है, आर्टरी होता है, वो हमेशा हार्ट से ब्लड को अन्य भाग में लेके जाता है, चाहे वो शरीर हो या फिर लंग्स। ठीक, तो ये दो ब्लड वेसल्स हम देखेंगे। धमनी, धमनी जो होता है ना, उसका जो बड़ा रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? माँ धमनी। ऑर्टा, ये डिवाइड होता है तब ये बनाता है धमनी, ये महाधमनी है। ये शाखाओं में जब विभाजित हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। और ये जब आगे और डिवाइड होते हैं तो उसको धमनिकाएं बोलते हैं। तो हमने अभी देखा ब्लड वेसल्स, वैसे ही महाशिरा होता है। महाशिरा जो होता है वो आगे चल के किस में डिवाइड हो जाता है? सीरा में डिवाइड हो जाता है, अर्थात वेन्स में। ये जो दिख रहा है ये हार्ट का डायग्राम है, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो हार्ट के जो चार चैम्बर्स हैं वो हैं ये लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, अर्थात दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। अब क्या होता है, दोनों जो आलिंद और निलय हैं, जैसे ये है आलिंद ऊपर वाला पोर्शन और ये है निलय, तो इन दोनों के बीच,
एक छिद्र होता है, एक पोर होता है, जिसको बोलते हैं आलिंद निलय छिद्र। आलिंद और निलय के बीच एक छिद्र होता है जिसको क्या बोलते हैं, आलिंद निलय छिद्र, अर्थात आलिंद निलय ऑरिकल वेंट्रिकल अपैचर, दोनों साइड होगा, दोनों आलिंद निलय के बीच में। इन्हीं के बीच में जो आलिंद निलय छिद्र, वहां पे एक वॉल्व होता है, अर्थात कपाट होता है जो उसको बंद करके रखता है। अब ये जो वॉल्व होते हैं, जो राइट पोर्शन में होता है उसमें होता है ट्राई कैप्सिड वॉल्व, अर्थात त्रिवलनी कपाट, इसमें होता है ट्राई कैप्सिड वॉल्व। और इधर क्या होता है, लेफ्ट पोर्शन में इन दोनों के बीच जो छिद्र होता है वहां होता है बाई कैप्सिड वॉल्व, अर्थात द्विवलनी कपाट। उसी तरीके से ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये एक महाशिरा है, इन्फीरियर वेना कैवा, जो शरीर के निचले भाग से ब्लड लेके आता है। ऊपर से ये वाला जो दिख रहा है, ये जो ब्लू एरो जो बना हुआ है यहाँ से, ये है आपका अग्र महाशिरा, सुपीरियर वेना कैवा, जो बॉडी के ऊपरी भाग से ब्लड लेके आता है, ये महाशिरा हुआ। वैसे यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, ये आलिंद और ये नीला है, यहाँ से एक वेसल्स गया है जो कहाँ जाता है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, दोनों लंग्स को जाता है। अब ये जो लंग्स को जा रहा है इसको बोलते हैं पल्मोनरी महाधमनी, पल्मोनरी अरोटा, ये होता है क्या, पल्मोनरी महाधमनी। उसी तरीके से ये लेफ्ट पोर्शन है, इसका लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से जो जा रहा है एक वेसल्स, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक महाधमनी, सिस्टेमिक महाधमनी, ब्लड लेके जा रहा है ये सिस्टेमिक महाधमनी। उसी तरीके से यहाँ ब्लड लेके आता है कौन, एक होता है पल्मोनरी महाशिरा, पल्मोनरी वेन्स, ये होते हैं लंग्स। अर्थात ये क्या है, हमने जो अभी बताया वो हार्ट की संरचना थी, अर्थात हृदय की संरचना थी, कि वो दो भागों में डिवाइड होता है, चार चैम्बर्स होते हैं, आलिंद और निलय में विभाजित होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, सीरा और धमनी, महाशिरा देखा हमने, महाधमनी देखा, इन दोनों के बीच छिद्र होता है, दोनों के बीच कपाट होता है, ये हमने क्या देखा, हृदय की संरचना में देखा। तो हमको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में ये एक्सप्लेन करना होगा। देन अगर हम इसका मैकेनिज्म बताएं, इसकी जो क्रिया विधि बताएं, तब हम देखेंगे कि हार्ट कैसे वर्क करता है। जो हार्ट होता है कुछ इस तरीके से, ये जैसे हार्ट है, इसके राइट साइड पे, मतलब कि जो दायां आलिंद होता है उस पे एक नोड होता है, ग्रुप ऑफ सेल बोल सकते हैं उसको, ये नोड होता है जिसको क्या कहते हैं, साइनो ऑरिकुलर, साइनो ऑरिकुलर नोड, अर्थात SA नोड, ये उपस्थित होता है कहाँ पे, जो आपका राइट ऑरिकल होता है वहां पे। वैसे ही ये दोनों जो पार्ट होते हैं राइट और लेफ्ट, उसके बीच एक होता है ऑरिक्यूलर वेंट्रिकल नोड, ऑरिक्यूलर वेंट्रिकल नोड प्रेजेंट होता है, यहीं से कनेक्टेड होता है एक फाइबर, तंतु, जिसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, जिसको क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर या हीज बंडल, पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हीज भी बोलते हैं इसको, हीज बंडल। ये जो दोनों जो होते हैं, ये जो फाइबर यहां से जो कनेक्टेड होता है, जो पुरकिंजे फाइबर, ये दोनों जो नीचे का जो निलय है, ये वाला पोर्शन जो होता है इधर ऐसे फैला हुआ रहता है, कनेक्टेड होता है उससे। क्या देखा हमने, हमने देखा कि ये हार्ट है, इसके दाएं आलिंद में होता है एक साइनो ऑरिकुलर नोड, जो ग्रुप ऑफ सेल है,
और फिर हमने देखा एक ऑरिक्यूलर वेंट्रिकल नोड होता है जो दोनों के बीच एक सेप्टा होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, इससे कनेक्टेड होता है पुरकिंजे फाइबर जिसको हीज बंडल भी कहते हैं। ये फाइबर्स जो होते हैं दोनों जो वेंट्रिकल जो होते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं। तो हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो इम्पल्स आता है होता क्या है कि हमारा जो हार्ट है उसको भी हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। हमारे ब्रेन में होता है मेडुला ऑब्लेंगटा, जो उसमें होता है आपका कार्डियक सेंटर, जो कार्डियक सेंटर होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है हार्ट को, वो वहाँ से इम्पल्स भेजता है, तरंग भेजता है, एक तरंग भेजता है, इम्पल्स भेजता है, तब हार्ट वर्क करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले जब हृदय में तरंगों की जो शुरुआत होती है, इम्पल्स जहाँ पे शुरू होता है वो कहाँ से होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड से होता है। कहाँ से होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड से होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं नेचुरल पेस मेकर, नेचुरल पेस मेकर कहा जाता है इसको। हमने जो पेसमेकर वर्ड सुना है वो ये पेसमेकर ही है। जब किसी व्यक्ति का पेसमेकर काम नहीं करता तब उसके शरीर में आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। ठीक, अब क्या होता है, जैसे ही ये साइनो ऑरिकुलर नोड में इम्पल्स आता है, ये किसको पास करता है, ये ऑरिक्यूलर वेंट्रिकल नोड को इम्पल्स पास करता है, और ये पुरकिंजे फाइबर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करता है किसको, संकुचित करता है किसको, निलय को, और वो जो हार्ट है वो कार्य करना स्टार्ट करता है। अर्थात जो निलय होता है, जो वेंट्रिकल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें स्टार्ट हो जाता है, फिर हार्ट वर्क करना स्टार्ट करता है। तो हम साधारण शब्दों में अब समझने की कोशिश करेंगे कि हार्ट कैसे कार्य करता है। हृदय की क्रियाविधि अर्थात उसका जो मैकेनिज्म होता है वो सिंपल वर्ड्स में हम समझने की कोशिश करते हैं पहले, फिर प्रेशर के साथ समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, अर्थात जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। जब हमने लास्ट क्लास में जब रेस्पिरेशन पढ़ा है तो हमने पढ़ा है कि क्या होता है, ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अर्थात ऑक्सीजन विहीन रक्त वो शरीर के विभिन्न भाग से कहाँ आता है, हार्ट को आता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात उसी को हम क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन नहीं उसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं अशुद्ध रक्त, और जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं शुद्ध रक्त। तो जो अशुद्ध रक्त है अर्थात जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो इस हार्ट में शरीर के विभिन्न भागों से सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू सबसे पहले कहाँ आता है, सबसे पहले वो आता है आलिंद में। ये वाला जो पोर्शन है वो है दायां आलिंद। तो दायां जो राइट ऑरिकल में आता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल को जाता है। अब राइट वेंट्रिकल कनेक्टेड होता है ये पल्मोनरी महाधमनी से, ये पल्मोनरी महाधमनी के थ्रू लंग्स को जाता है, लंग्स से वो क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन लेने के बाद शुद्ध रक्त इस पल्मोनरी महाशिरा के द्वारा कहाँ प्रवेश करता है, बायां आलिंद में प्रवेश करता है। बायां आलिंद में प्रवेश करता है, वैसे बाइकैप्सिड वॉल्व खुला, आलिंद से रक्त बायें निलय में प्रवेश किया, बायें निलय से प्रवेश करने के बाद जो रक्त है बायें निलय से कहाँ चला जाता है, वो सिस्टेमिक महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भाग में चला जाता है। कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर देता है। ये था सिंपल वर्ड्स में, यहीं पे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो शरीर के समस्त जो टिश्यू होते हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स होता है, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, जो अशुद्ध रक्त होता है, वो कहाँ आता है, वेन्स में। वेन्स के थ्रू जो आपके अग्रवा पश्च महाशिरा वेना कैवा जो है उसके थ्रू कहाँ आता है, दायां आलिंद में आता है। दायां आलिंद में आने के बाद आलिंद निलय छिद्र से जो आपका ट्राइकैप्सिड वॉल्व खुलता है वहाँ से वो दायां निलय में प्रवेश करता है। दायां निलय के बाद ये कहाँ जाता है, यहाँ पे अर्धचंद्राकार कपाट होता है, वहाँ पे वो वॉल्व खुलता है, तो वो जाता है पल्मोनरी महाधमनी में। पल्मोनरी महाधमनी के थ्रू वो कहाँ गया, लंग्स को गया। लंग्स में ऑक्सीजन होता है तो ये ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, अर्थात ये शुद्ध हो जाता है। शुद्ध रक्त जो है पल्मोनरी शिरा के थ्रू
लंग से हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सिस्टेमिक महाधमनी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, शरीर के विभिन्न भाग में चला जाएगा, अर्थात शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भाग तक पहुँच जाएगा। तो ये एक साइकिल होता है जो प्रोसेस चलता है। तो हमने समझा कि ये क्रियाविधि क्या होती है। अगर हम इसको प्रेशर के साथ समझना चाहें कि क्यों होता है, तो हम देखेंगे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो साइनो ऑरिकुलर जो नोड होता है वहाँ से इम्पल्स कहाँ आया, ऑरिकुलर वेंट्रिकल नोड में आया। उसके में क्या पुरकिंजे फाइबर ऐसे फैले हुए थे, कहाँ फैले हुए थे, कुछ इस तरीके से यहाँ फैले हुए थे। अब उसके कारण क्या होता है, इनमें संकुचन होता है, संकुचन अर्थात कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं प्रंकुचन, सिस्टोल बोलते हैं। संकुचन हुआ, संकुचन होता है अर्थात वो क्या होता है, संकुचित हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक प्रेशर लगता है। इस प्रेशर के कारण जो ब्लड यहाँ पे है वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी, आपका पल्मोनरी रोटा से होते हुए लंग्स को चला जाता है। कहाँ चला जाता है, लंग्स को चला जाता है। अब वो जैसे ही फैलता है अर्थात उसमें क्या प्रक्रिया हुई, अनुशिथिलन की प्रक्रिया हुई, ऐसा हम कहते हैं, डाइस्टोल बोलते हैं उसको, अनुशिथिलन। अब वो फैला तो फिर क्या होता है, फिर इस निलय से जो आलिंद से निलय में फिर से ब्लड एंटर करता है, फिर से आता है। इस तरीके से ये प्रक्रियाएं चलती हैं। तो होता क्या है कि दोनों जो साइड है वो एक साइड एक साथ वर्क करता है, राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, दोनों का निलय जब संकुचित होता है, अगर संकुचित हो रहा है तो दोनों का निलय संकुचित होता है। तो जब ये संकुचित होता है तो दाएं आलिंद से दाएं निलय में रक्त आता है, और जब ये संकुचित होता है तो बाएं आलिंद से बाएं निलय में ब्लड आता है। इधर कौन सा ब्लड आता है, इधर अशुद्ध रक्त आता है अर्थात जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो आता है, और इधर कौन सा आता है, इससे प्योर ब्लड आता है शुद्ध जिसमें ऑक्सीजन होता है। अब ये हुआ, उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स हो गया, फैला, अनुशीथलन की प्रक्रिया हुई, उसके बाद क्या होता है कि ब्लड फिर कहाँ एंटर करता है, इस आलिंद से निलय में प्रवेश करता है। बिल्कुल उसी तरीके से क्या होता है, इधर भी आपका बाएं आलिंद से जो ब्लड है वो बाएं निलय को प्रवेश करता है। जब ये संकुचित होता है निलय, तो आलिंद ना फैलता है, जब फैलेगा तो ब्लड उधर एंटर करेगा, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इस प्रकुंचन और अनुशिथिलन के कारण जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें जो प्रेशर आता है, वो जो दाब आता है, उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर अर्थात रक्त दाब। जब संकुचित होता है ब्लड वेसल, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको प्रकुंचन या सिस्टोल भी बोल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। उसके कारण मतलब उनके संकुचन के कारण जो दाब उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और मनुष्य का जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 120 mmHg। और जब फैलने के कारण जो दाब लगता है ब्लड वेसल्स में वो कितना होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg। ये क्या होता है, ये हुआ आपका सिस्टोलिक प्रेशर, ये हुआ डायस्टोलिक प्रेशर अर्थात ब्लड प्रेशर। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है अर्थात डायसिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो क्या होता है, उसको हाइपरटेंशन हो जाता है अर्थात बीपी बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया, इसका लेवल बढ़ जाएगा, अगर इसका प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन अर्थात हाई ब्लड प्रेशर। और वहीं जब इससे कम हो जाएगा दाब, तब उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन बोलते हैं अर्थात बीपी कम हो जाता है। तो अभी हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि कैसे क्रिया करता है, साधारण शब्दों में समझने की कोशिश की, फिर दाब के साथ कैसे काम करता है ये हमने समझा, फिर हमने प्रेशर देखा, बीपी क्या होता है, रक्त दाब क्या होता है, और रक्त दाब की वैल्यू कितनी होती है, जो सामान्य जो मनुष्य होता है उसका बीपी कितना होता है ये हमने देखा। अब क्या देखते हैं, हम
कि बीपी कैसे चेक करते हैं, किससे चेक करते हैं। फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, बीपी चेक किया जाता है। जो डॉक्टर के पास जाओ तो जो वो बीपी चेक करने की जो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। जो हार्ट होता है उसको रेगुलेट करने के लिए पोटेशियम जरूरी होता है। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg, और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, 80 mmHg, अभी हमने देखा। और जो पल्स का जो प्रेशर होता है, जो नाड़ी होता है ना, उसका प्रेशर कितना होता है, 40 mmHg होता है। ये यहीं से निकलता है। जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर को जब अपन घटाते हैं तब उससे जो निकलता है वो होता है क्या, पल्स प्रेशर, नाड़ी दाब जो होता है वो। किसके द्वारा बीपी चेक किया जाता है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा बीपी चेक किया जाता है। जब जो हृदय होता है उससे कैसी आवाज आती है, उससे आवाज आती है लब डब की आवाज आती है। क्यों आती है, वो जो अर्धचंद्राकार जो कपाट होता है ना, जब खुलते बंद होते हैं ना, उसी का ही आवाज होता है, लब डब की आवाज आती है। और हम क्या देखेंगे, हार्ट कब आराम करता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो दिन में आराम करता है, रात में आराम करता है, या फिर दोपहर में आराम करता है। उसका आंसर ये होता है, दो धड़कनों के बीच आराम करती है क्या, हार्ट। अब ये देखते हैं हम कि जो हार्ट होता है उसका एक हार्ट बीट क्या होता है, एक धड़कन किसको बोलते हैं। हमने जो अभी पढ़ा, एक प्रकुंचन और एक अनुशिथिलन को क्या बोलते हैं, एक हार्ट बीट बोलते हैं। मतलब एक धड़कन बराबर जो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। हार्ट के कंट्रोल के लिए पोटेशियम जरूरी होता है। उसी तरीके से हम क्या देखेंगे कि जो हार्ट होते हैं उसमें तीन लेयर होते हैं, एक तो एपिकार्डियम होता है, मायोकार्डियम होता है और एंडोकार्डियम होता है। तीन लेयर होते हैं हार्ट के। और जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी स्टडी को कहते हैं, उनकी स्टडी को एंजियोलॉजी कहा जाता है। तो हमने अभी हार्ट के बारे में देखा, ये सारे फैक्ट्स हमको याद करने होंगे। लिम्फैटिक सिस्टम देखने के पहले हम एक पॉइंट्स देखते हैं कि क्या होता है। जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, वो हमने देखा, जैसे कि ये धमनी, आर्टरी, सीरा वेन्स और केशिकाएं, कैपिलरीज, थ्री टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। अब क्या देखते हैं हम कि जब हार्ट हमने देखा, उसमें एक पॉइंट हम देखना भूल गए, वो था कि जो सीरा होता है, जो वेन्स होता है, उसमें हमेशा क्या रहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। हमने देखा अभी, क्योंकि जैसे यहाँ से आता है ब्लड पश्च महासिरा, अग्र महासिरा, तो कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, तो वो अशुद्ध रक्त होता है। संपूर्ण शरीर में ऐसा ही बनता है, लेकिन एक अपवाद है जो पल्मोनरी महासिरा होता है, जो लंग्स से आता है, कौन, पल्मोनरी महासिरा, पल्मोनरी महासिरा, पल्मोनरी वेन्स या फुसफुसी महासिरा जिसको बोलते हैं, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि ये लंग से क्या लाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। उसी तरीके से और एक क्या अपवाद है, जो धमनी होता है उसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक अपवाद क्या है कि जो पल्मोनरी महाधमनी होता है, जो लंग्स को ब्लड लेके जाता है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। संपूर्ण शरीर में जो भी धमनी होता है उसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, परंतु जो पल्मोनरी महाधमनी है उसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो लंग्स को जाते हैं। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। अब हम जब ब्लड वेसल्स देख ही रहे हैं,
तो देखेंगे कि क्या होता है कि जब धमनी धमनी जो होते हैं, जो आर्टरी होते हैं, वो आगे चल के कुछ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, कैपिलरीज बनाते हैं, और ये कैपिलरीज जो होते हैं ये बाद में फिर से वेन्स के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो पतली पतली जो शाखाएं हैं वो क्या है, कैपिलरीज होती है। ये क्या होती है, कैपिलरीज केशिकाएं होती है। केशिकाएं को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये धमनी और सीरा जो होती है वो दोनों को जोड़ने का काम करती है। होता क्या है कि जो कैपिलरीज होती है, यहाँ से जब ब्लड जाता है, यहाँ से जब ब्लड पास होता है, तो यहाँ एक जो जितने भी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका एक अपना दाब होता है। दाब के साथ वो ब्लड वेसल्स में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो उस दाब के कारण कुछ जो पदार्थ होते हैं वो छन के बाहर आते हैं, कुछ पदार्थ छन के बाहर आते हैं, उनमें अधिक मात्रा में WBC और प्लाज्मा होता है, क्योंकि ये ब्लड है, ब्लड से तो छन के आया। तो ये जो द्रव होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, ये जो नीचे जो टिश्यू होते हैं, जो उत्तक होते हैं, जैसे कि ये उत्तक है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना, इनके बीच में जाके ये ठहर जाते हैं, ये रुक जाते हैं, जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उनके बीच में ये भर जाते हैं, और बाद में ये इसी कोशिकाओं में चले जाते हैं। अर्थात तो उनमें न्यूट्रेंट होता है, हम देखते हैं कि प्लाज्मा में न्यूट्रेंट होता है, तो वो सारा कहाँ चला जाता है, इस कोशिकाओं को चला जाता है। तो जो यही लिक्विड होता है इसी को बोलते हैं लिम्फ। हमने क्या देखा, जो कैपिलरीज में जो ब्लड जो होता है वो कैपिलरी से जब रिस रिस के वो कहाँ जाता है, उत्तक में जाता है, उत्तक के बीच जो कोशिकाएं जो होती हैं उनके जो बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, वहाँ पे जो रहता है, लिक्विड रहता है, जो फ्लूइड रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिम्फ। उसमें अधिक मात्रा में क्या रहता है, WBC प्लाज्मा रहता है। और हमने देखा है कि जो प्लाज्मा होता है वो न्यूट्रेंट कैरी करता है, वो कोशिकाओं तक उसको पहुँचाने का, गैसेस को कोशिकाओं तक पहुँचाने का कार्य करता है। तो ये क्या था, लिम्फ, लसिका था। तो उसी का एक विकसित, मनुष्य के शरीर में एक विकसित लसिका तंत्र पाया जाता है, जैसे कि रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमने क्या देखा, सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं मनुष्य में, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कुछ पॉइंट्स हम लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देख रहे हैं, ये था लिम्फ। अब जो लिम्फ जो होता है उसको जो ले जाने का काम करता है, उसको जो गति देता है, वो कौन है, वो है लसिका वाहिनी ब्लड वेसल्स होते हैं। संपूर्ण शरीर में जो आपके ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो उपास्थि होता है, उसको छोड़ के संपूर्ण शरीर में लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं, उनमें लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं। और अंत में क्या होता है ना, ये जो लिम्फ होता है ना, अंत में वो फिर से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला ही जाता है। तो ये था लिम्फ वेसल्स। कैपिलरीज जो होते हैं वो आपस में मिलके ब्लड वेसल्स बनाते हैं, लिम्फ वेसल्स बनाते हैं। देन क्या देखेंगे हम, लिम्फ वेसल्स जो होते हैं, वो लिम्फ वेसल्स जो होते हैं आगे चल के कुछ गांठे बनाती हैं, जिसको लिम्फ नोड कहते हैं। ये जो लिम्फ नोड होते हैं ना, ये अत्यधिक मात्रा में एंटीबॉडीज और WBC का निर्माण करते हैं। जो लिम्फ होता है उसमें जो WBC होता है उसकी मात्रा, जो ब्लड होता है उसमें WBC की मात्रा से अधिक होता है। लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स अभी हमने देखा, अब देखेंगे लिम्फ वेसल से संबंधित कुछ अंग पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं लिम्फैटिक ऑर्गन्स या लसिका अंग। हम यहाँ पे चार प्रकार के लसिका अंग के बारे में देखेंगे। एक तो होता है लिम्फ फॉलिकल्स, जो इंटेस्टाइन होता है उसमें जो म्यूकस होता है, म्यूकस जो झिल्लियाँ होती हैं वहाँ पे उपस्थित होता है ये, क्या लिम्फ फॉलिकल्स उपस्थित होते हैं। उसी तरीके से टॉन्सिल्स तो हम जानते हैं, जो टॉन्सिल्स जो होता है वो लिम्फ टिश्यू का बना होता है। ये जो फैरिंग्स होता है ना, उसके म्यूकस झिल्ली में ये उपस्थित होता है टॉन्सिल्स, ये लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। हमने देखा है लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये क्या है, एक WBC के एक प्रकार थे। WBC में हमने अग्रेनुलोसाइट देखा, अग्रेनुलोसाइट का एक टाइप था लिम्फोसाइट। तो उसका निर्माण कौन करता है, उसका निर्माण करता है टॉन्सिल्स, थाइमस ग्लैंड और स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है ये तीनों लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है, और यही लिम्फोसाइट्स क्या होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं थाइमस ग्लैंड, जो दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है आपका क्या थाइमस ग्लैंड, ये भी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। उसी तरीके से जो स्प्लीन होता है, ये जो इंटेस्टाइन का जो फंडिक पोर्शन होता है डायफॉर्म के थोड़ा ऊपर प्रेजेंट होता है कौन, स्प्लीन, ये भी लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। ये जो थाइमस ग्लैंड होता है, इसके बारे में खास बात ये है कि जैसे जैसे उम्र होते जाता है ना, ये इनएक्टिव होता जाता है, जो इसीलिए बोलते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम वीक होते जाता है। जैसे जैसे एक एज होते जाता है, क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो जब कोई छोटा होता है, जब वो यंग होता है, तो उसका जो थाइमस ग्लैंड होता है वो बहुत एक्टिव होता है, लेकिन जैसे एक उम्र के बाद जब वो एज होते जाती है, तो उसका जो थाइमस जो ग्लैंड है वो इनएक्टिव होते जाता है, अर्थात वो क्या करता है, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन नहीं करता, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं करता, इसलिए उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता चला जाता है। तो ये थे लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में, इतना पॉइंट्स हमको याद रखना है। अब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, तो उसके कुछ कुछ फंक्शन है, कार्य है, क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि ये श्वसन में मदद करता है, कैसे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके हीमोग्लोबिन कैरी करता है आपका हीमोग्लोबिन जो कैरी करता है प्लाज्मा कैरी करता है, वैसे ही दूसरा पॉइंट ये हुआ कि ये फूड मटेरियल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, पचित भोज्य पदार्थ को लेके जाता ही है, हार्मोन्स जो होते हैं, एंटीबॉडीज जो होते हैं, वो सबको एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाता है। फिर तीसरा पॉइंट ये होगा कि ये इम्यून सिस्टम जो होता है उसको स्ट्रांग बनाता है, क्यों, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर रहा है, ये फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं उसको खा जाते हैं, हमने जो लास्ट क्लास में देखा है वो। फिर ये पीएच के लेवल को कंट्रोल करता है, ये ब्लड के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है, ये इसके मुख्य कार्य हुए जो हमको याद रखने होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में ओवरऑल क्या देखा, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जाना, सर्कुलेटरी सिस्टम मिलके बना होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम से। हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखा कि वो उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, लाइक आरबीसी डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं उनके बारे में देखा, फिर हम ब्लड वेसल्स को देखे, फिर हार्ट को देखा, उसके मैकेनिज्म को देखा, और फिर हमने लिम्फैटिक सिस्टम को देखा। इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। थैंक यू।